हील कर्व्स की बिहेवियर को अगर हम ऑब्ज़र्व करें जैसा क्या आपको मालूम है कि जितने भी फाइनेंशियल डेटा रिपोर्ट करने वाले वेबसाइट्स हैं वो डेली बेसिस के ऊपर यील्ड कर्व्स को कैलकुलेट करके ग्राफ करते हैं शो करते हैं और यील्ड कर्व होता क्या है इसमें हम डिफ़रेंट टाइम पीरियड्स मचॉरिटी के लेकर उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या यील्ड आएगा या रेट ऑफ रिटर्न ऑफर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे मेचोर होने वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या बॉन्ड्स उस की ग्राफ बनाते हैं तो उसको हम यील्ड कर्व बोलते हैं तो यील्ड कर्व्स जितने भी जब से डेटा मेंटेन हो रहा है फाइनेंशियल डेटा और डिफरेंट मचोरिटीज़ के ऊपर यील्ड्स को असेस किया जाता है और यील्ड कर्व्स बनाए जाते हैं तो उसमें तीन तरह के यील्ड कर्व्स देखने को मिलते हैं अपवर्ड स्लोपिंग हॉरिजोंटल स्ट्रेट लाइन और डाउनवर्ड स्लोपिंग तो देर आर वेरी इंपॉर्टेंट थ्री फैक्ट्स दैट हैव बीन रजिस्टर्ड एंड या एनालाइज तीन तरह के फैक्ट्स को हमने एनालाइज किया है यील्ड कर्व्स की बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हुए उन तीन फैक्ट्स क्या हैं उसमें सबसे पहले ये बात देखी गई है कि जो इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड्स हैं बेशक डिफ़रेंट मेचोरिटीज के ऊपर आप लेंगे इंटरेस्ट रेट्स को तो वहाँ पे आपको को मूवमेंट नज़र आती है इसका मतलब है कि अगर तीन माह की मे मचोर होने वाली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या दो साल में या बीस साल में इन तमाम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एक लंबे टाइम पीरियड के ऊपर अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि तमाम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ख्वाह वो जिस भी मचॉरिटी के हों उनके इंटरेस्ट रेट्स की जो फ्लक्चुएशंस हैं वो मोर और लेस सेम जारी होती हैं इसका मतलब है कि अगर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ है तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की इंटरेस्ट रेट में भी आपको इजाफा नज़र आता है और अगर उनमें शॉर्ट टर्म में कमी देखने को मिल रही है वहाँ भी लॉन्ग टर्म में भी आपको कमी देखने को मिल रही है तो वी कैन प्रेज दिस फैक्ट के इंटरेस्ट रेट्स ऑन बॉन्ड्स ऑफ डिफरेंट मेचोरिटीज मूव टूगैदर ओवर टाइम सो अभी मैं थोड़ी देर में आपको एक ग्राफ दिखाऊंगी जो कि रियल डेटा पे को लेके बनाया गया है और उसमें आप देख सकते हैं कि जब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेच्योर होने वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की यील्ड्स को या इंटरेस्ट रेट को लिया गया है तो आपको को मूवमेंट्स नज़र आते हैं एक ही तरह की मूवमेंट आपको नजर आएगी वाह वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म है या वो लॉन्ग टर्म है दूसरी अहम फैक्ट या अहम जो नुक़ नज़र देखने को मिला है हमें इस डेटा को ऑब्जर्व करने से वो ये है कि जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स हैं जब वो कम होती हैं तो आपको यील्ड कर्व हमेशा अपवर्ड मूविंग देखने को मिलते हैं तो इफ़ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर लो वी यील्ड कर्व्स आर आर ऑलवेज अपवर्ड मूविंग इफ़ द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर हाई तो देन द हील विल बी डाउनवर्ड मूविंग तो मैंने अभी आपको बताया तीन तरह के शेप्स होते हैं हील कर्व्स के ये या तो अपवर्ड मूविंग होंगे आइडियली ऐसा होना चाहिए तो हमने देखा कि अगर शॉर्ट टर्म की रेट ऑफ रिटर्न शॉर्ट टर्म बॉन्ड के ऊपर जो आपको रेट ऑफ रिटर्न ऑफर किया जा रहा है वो अगर रेलिटिवली लो है तो आपको तब हमेशा देखने को मिलेगा कि जो हील कर्व है वो अपवर्ड मूव कराए लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के ऊपर इंटरेस्ट रेट आपको हाई देखने को मिलता है तो फिर आपको नज़र आएगा कि जो झील कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है ये एक अहम एक और अहम बात है और तीसरी अहम बात जो देखी गई है ऑब्जर्व की गई है दैट इज के झील कर्व ज़्यादातर अपवर्ड मूव कर रहे होते हैं तो नीचे की तरफ भी जाते हैं लेकिन जब हम ओवरऑल एक लंबे टाइम पीरियड के ऊपर इसको एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज़्यादातर अपवर्ड मूव करती हुई यील्ड कर्व्स नज़र आती हैं और मैंने आपको बताया कि अगर अपवर्ड मूव कर्व तो वो नॉर्मल कर्व कहलाती है इसका मतलब है कि फ्यूचर के लिए आप होपफुल हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से आपको हायर रिटर्न मिलेगी और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने से आपको लोअ रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा इस पर्टिकुलर फिनोमिनन को अगर हम रियल लाइफ में देखते हैं तो उसको कर्व अपवर्ड स्लोपिंग के टर्म्स में देखा जाता है तो दिस इज़ अ नॉर्मल बिहेवियर तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स झील कर्व्स आर अपवर्ड स्लोपिंग तो इन दिस डायग्राम व्हाट वी हैव डन इज हमने 1950 से 2016 तक का डेटा लेकर यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स को कंसिडर किया है डिफरेंट मैचोरिटी के ऊपर तो डिफरेंट मचोरिटी के टाइम पीरियड लिए हैं उनमें तीन तरह के टाइम पीरियड्स हैं हमारे पास शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म ट्रायरी बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने थ्री मंथ बिल लिया है जो कि ग्रीन लाइन से देखने को मिल रहा है आपको नज़र आ रहा है ग्रीन लाइन्स के फॉर्म में और उसके बाद हमने थ्री टू फाइव ईयर एवरेज लिए हैं तीन से पाँच साल में मचोर होने वाले जो बॉन्ड्स थे उनकी यील्ड्स को अकाउंट फॉर किया है जो कि आपको नीली लाइन में नज़र आ रहा है और उसके बाद हमारे पास ब्राउन लाइन है जो कि कर रही है गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो कि बीस साल के लिए जारी किए गए हैं उनकी एवरेज को और अगेन जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि तीन फैक्ट्स को रिकग्नाइज किया गया है आइडेंटिफाई किया गया है सबसे पहली बात क्या नजर आ रही है हमें यहाँ के क्वा छोटी टर्म का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उनकी प्राइस की फ्लक्चुएशंस आपको मोरोलेस सेम ही देखने को मिल रहे हैं इसका मतलब है कि अगर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की रिटर्न ऊपर की तरफ जा रही है तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की रिटर्न भी ऊपर की तरफ जा रही है अगर वहाँ डिप आ रहा है शॉर्ट टर्म में तो आपको लॉन्ग टर्म में भी फॉल देखने को मिल रहा है सिमिलरली जितने स्पाइक्स हैं उनमें आपको तीनों कलर्स के एरोहेड्स देखने को मिल रहे हैं अगैन यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इफ़ द इंटरेस्ट रेट वेंट अप कॉरेस्पोंडिंग टू से नाइनटीन ऐटी टू एटी थ्री की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको देखने को मिल रहा है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो तीनों में तीनों तरह के जो फाइनेंशियल बॉन्ड्स आपने लिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स लिए हैं उनके अंदर आपको इंटरेस्ट रेट की स्पाइक देखने को मिल रही है लेकिन जब फॉल आ रहा है फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम देख सकते हैं तो अगैन आपको ब्राउन लाइन ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन तीनों में फॉल देखने को मिल रहा है तो हमने फैक्ट नंबर वन डिस्कस किया था कि जो रिटर्न है हुआ वो किसी भी मेचोरिटी की आप फाइनेंशियल बॉन्ड्स को या इंस्ट्रूमेंट्स को लेते हैं तो उसमें आपको देर इज अ काइंड ऑफ को मूवमेंट प्राइसेज मूव इन द सेम वे जो उनका इंटरेस्ट रेट है उनके अंदर एक ही तरह के फ्लैक्चुएशंस देखने को मिलते हैं दूसरा फैक्ट हमने डिस्कस किया था कि जब शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट लो होता है तो कर्व्स आर अपवर्ड स्लोपिंग और जब शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं तो कर्व्स आर स्लोपिंग डाउनवर्ड्स तो अगेन आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देख सकते हैं कि सपोज शॉर्ट टर्म के लिए हमने ये ग्रीन लाइन इस्तेमाल की है सपोज इन वी सी दैट द इंटरेस्ट रेट ऑन द शॉर्ट टर्म इज लो एज इन दिस केस यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज क्वाइट लो टू पे जा रहा है तो वहां पे आपको देखने को मिल रहा है जो आपका यील्ड कर्व है ये अपवर्ड स्लोपिंग है ग्रीन लाइन पूरी ऊपर की तरफ जा रही है और जब बहुत हाई हो जाएगा जैसे कि हमने यहाँ देखा 1982 के तो वहां आपको देखने को मिल रहा है ग्रीन लाइन नीचे फॉल करी है राइट तो वेन द मार्केट थिंक्स के शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इज क्वाइट हाई देन वी सी आर डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इफ द इंटरेस्ट रेट्स ऑन द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इज लो देन वी सी एन अपवर्ड स्लोपिंग ही सो दिस इज फैक्ट नंबर टू दैट कैन बी ऑब्जर्व इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम बेस्ड अपॉन द रियल लाइफ डेटा सेट और तीसरी जो चीज हमने देखी थी हमने कहा ही ऑलमोस्ट ऑलवेज स्लोप अपवर्ड तो अगेन इफ़ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर ग्राफ केयरफुली तो आपको जितने भी डिप्स देखने को मिलेंगे वो शॉर्ट टर्म है जितने भी फॉल देखने को मिलते हैं नेगेटिवली स्लोपिंग या इन्वर्टेड इन्वर्टेड यील्ड कर्व है वो शॉर्ट टर्म है जो आपको ज़्यादातर जो फिनन देखने को मिल रहा है आप कोई भी टाइम पीरियड पे मेचोर होने वाली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इस पर्टिकुलर ग्राफ में देख सकते हैं आपको ज़्यादातर जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है इसका मतलब है कि ज़्यादातर आपको अपवर्ड मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं हील्ड कर्व्स में सो इफ वी ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हील्ड कर्व्स या मूवमेंट्स इन द हील कर्व इन टर्म्स ऑफ द थेरीज तो ऑल टुगेदर हमारे पास तीन तरह के थेरीज हैं जो कि हील्ड कर्व्स के फ्लक्चुएशंस को एक्सप्लेन करने में हमें मदद देते हैं और वो तीन थेरीज़ जो कि हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में उनमें हमारे पास एक्सपेक्टेशन थेरी है हमारे पास सेगमेंटेड मार्केट्स की थेरी है और तीसरी जो अहम थेरी हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द लिक्विडिटी प्रीमियम थेरी ये तीनों थेरीज़ हमें यील्ड कर्व के डिफरेंट तरह के मूवमेंट्स को अंडरस्टैंड करने में मदद देते हैं